वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन एंड सो फार वी हैव सीन द डूज एंड डॉन्ट्स एट डिस्पैच सेंटर एंड पोलिंग स्टेशन. नाउ ड्यूरिंग मॉक पोल व्हाट आर द डूज एंड डॉन्ट्स. हम सब पहले डूज पर विचार करेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ड्यूरिंग मॉक पोल. मॉक पोल के समय क्या क्या चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है. डू गो थ्रू द मीनिंग ऑफ वेरियस डिस्प्लेज विच अपीयर ऑन द डिस्प्ले पैनल ऑफ द कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट पर जो बहुत सारे डिस्प्ले अपीयर होंगे उनके बारे में प्रॉपर हमको जानकारी होनी चाहिए. डू गो थ्रू द मीनिंग ऑफ वेरियस डिस्प्लेज विच अपीयर ऑन द डिस्प्ले पैनल ऑफ द कंट्रोल यूनिट. मॉक पोल प्रोसीडिंग्स हैव टू बी वीडियोग्राफ्ड. मॉक पोल की प्रोसीडिंग्स को वीडियोग्राफ होना चाहिए बाई ऑथराइज वीडियोग्राफर इफ डायरेक्टेड. ऑथराइज वीडियोग्राफर के द्वारा इसको एज पर डायरेक्शन इसको करना होगा. फॉर मॉक पोल द बैलेट यूनिट एंड वी वी पैट should be placed in the voting compartment where a polling officer should be present along with polling agents to observe operations on BU and paper slips printed on the BU pad. To BU pad or balloting unit ke beech mein talmel hona chahiye. jo ballot unit par jis button ko press kiya jata hai usi ki jis party का बटन मान लिया लोटस है तो लोटस का बटन अगर प्रेस किया गया तो वी वी पैट से वही गिरना चाहिए. पर्ची उसी गिरनी चाहिए, स्लिप्स उसी गिरनी चाहिए. कांग्रेस ऐसा हाथ कांग्रेस का जब अगर हमने प्रेस किया तो वो कांग्रेस का स्लिप वी वी पैट से निकलना चाहिए. तो मॉक पोल के समय में ये बहुत ज़रूरी इसको चेक करना. तो दोनों वी वी पैट और बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में होते हैं तो इसका ध्यान रखना है. पुट पेपर रोल लॉक्स ऑन वी वी पैट इन वर्टिकल पोजीशन. तो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए वी वी पैट जो है का जो पेपर लॉक है वर्टिकल पोजीशन आफ्टर इंटर कनेक्शन ऑफ बी यू सी यू एंड वी पैट. वी वी पैट ये तीनों जब कनेक्ट हो जाए तो वो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए. एट लीस्ट 50 वोट शुड बी कास्ट. मॉक पोल में 50 वोट कास्ट करना जरूरी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स और एजेंट्स. एजेंट के सामने 50 वोट जरूर कास्ट होना चाहिए. मैनुअल रिकॉर्ड ऑफ वोट्स कास्टेड शुड बी मेंटेन्ड बाय द पोलिंग ऑफिसर. इसका मैनुअल रिकॉर्ड जो भी वोट कास्ट किया गया है शुड बी मेंटेन्ड बाय द पोलिंग ऑफिसर. इसके बाद आते हैं मॉक पोल शुड बी कंडक्टेड विद द पोलिंग एजेंट्स वोटिंग एट रैंडम फॉर ईच ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा. तो मॉक पोल शुड बी कंडक्टेड विद द पोलिंग एजेंट्स. पोलिंग एजेंट के साथ मॉक पोल जरूर कंडक्ट होना चाहिए एट रैंडम फॉर ईच ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा का भी हमको वहाँ पर मॉक पोल होना जरूरी है. आई सर्टेन द मॉक पोल रिजल्ट फ्रॉम कंट्रोल यूनिट एंड कंपेयर विद द मैनुअल रिकॉर्ड ऑफ वोट्स. ठीक है, तो मॉक पोल का रिजल्ट जो है कंट्रोल यूनिट पर देख लें एंड कंपेयर करें जो मैनुअल रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है वोट का. चलिए नेक्स्ट है हमारा रिमूव द मॉक पोल प्रिंट पेपर स्लिप्स फ्रॉम द वी पैड. तो उसे मॉक पोल का जो स्लिप है उसको वी पैड से निकाल लीजिए ड्रॉप बॉक्स से एंड काउंट द वी पैड प्रिंटेड पेपर स्लिप्स इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलिंग एजेंट. और पोलिंग एजेंट के सामने इस वी पैड की जो प्रिंटेड स्लिप गिरी है उसको काउंट कर लीजिए एंड कंफर्म दैट द रिजल्ट टैली फॉर ईच कैंडिडेट. और इसको आप रिजल्ट को टैली करवा दीजिए. ईच कैंडिडेट्स का रिजल्ट टैली होना चाहिए, जरूरी है. पॉइंट नंबर 10 कहता है प्रेस द क्लियर बटन ऑफ कंट्रोल यूनिट. क्लियर बटन को प्रेस कर दीजिए कंट्रोल यूनिट का
बिफोर द एक्चुअल पोल टू क्लियर द अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मॉक। तो मॉक पोल के दौरान जो हमने किया तो उसमें कोई भी लेफ्ट आउट जो है, मॉक पोल का लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कंट्रोल यूनिट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेस द क्लियर बटन ऑफ द कंट्रोल यूनिट बिफोर द एक्चुअल पोल, एक्चुअल पोल से पहले, टू क्लियर द अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मॉक पोल। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्टी ड्रॉप बॉक्स, वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है, एम्प्टी कर लीजिए, खाली कर लीजिए। बॉक्स मस्ट बी वेरीफाइड बाय द पोलिंग एजेंट्स, फॉलो द प्रोसीजर्स फॉर सीलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मॉक पोल वीवीपैट पेपर स्लिप्स। तो पेपर इसको प्रोसीजर को फॉलो करना है, सीलिंग करना है, स्टोरेज ऑफ मॉक पोल वीवीपैट पेपर स्लिप्स। तो उसको वीवीपैट को हमको पेपर स्लिप्स के माध्यम से मॉक पोल जो भी हुआ है, वीवीपैट में जो भी रिकॉर्ड है सबको सब सील करने का समय आ गया है। तो उसको सब कुछ निकाल के उसमें से उसको खाली बिल्कुल होना चाहिए। तो फॉलो द प्रोसीजर फॉर सीलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मॉक पोल वीवीपैट पेपर स्लिप्स। ठीक है, तो इसको कहाँ रखना है, जितना भी अपने मॉक पोल के दौरान किया है उसको कहाँ रखना है, एक बैग होता है उसमें रखना है, तो उसको सारी व्यवस्था करना शुरू करेंगे। सील द ड्रॉप बॉक्स ऑफ वीवीपैट विद द थ्रेड एंड एन एड्रेस टैग यूजिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर सील बिफोर द एक्चुअल पोल स्टार्ट्स एंड ऑब्टेन सिग्नेचर्स ऑफ पोलिंग एजेंट्स देयर ऑन। सील द ड्रॉप बॉक्स ऑफ वीवीपैट, ड्रॉप बॉक्स जो है वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स विद द थ्रेड, थ्रेड से एंड एड्रेस टैग यूजिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर सील बिफोर द एक्चुअल पोल स्टार्ट एंड ऑब्टेन सिग्नेचर्स ऑफ द पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर ले लेंगे। आप क्या कब सील द ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स को और वीवीपैट को हम सील कर देंगे, जो भी हमको थ्रेड दिया गया है एड्रेसिंग टैग्स यूजिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर सील, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो सील होती है दी जाती है उसको सील का प्रयोग करते हुए बिफोर द एक्चुअल पोल, एक्चुअल पोल से शुरू होने से पहले ये सब हो जाना चाहिए, सीलिंग वीलिंग का काम, और इसमें एजेंट्स का सिग्नेचर भी होना चाहिए उसके ऊपर। सील द रिजल्ट सेक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन जो है उसको भी हम सील करते हैं, जो हम क्लोज रिजल्ट और क्लियर जो करते हैं ना, तो उसको पोर्शन को भी हमको सील करना है। सील द रिजल्ट सेक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट विद द ग्रीन पेपर सील स्पेशल टैग एंड एड्रेस टैग एंड ऑप्टेन सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स। यहाँ भी हमको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स ये भी जरूरी है, पोलिंग एजेंट यहाँ भी है, सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट ये भी देखिए जरूरी है, यहाँ सिग्नेचर करना जरूरी है। प्रिपेयर पार्ट वन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट मॉक पोल सर्टिफिकेट एंड ऑप्टेन सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स देयर ऑन। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स। ठीक है, तो पार्ट वन जो है प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट, मॉक पोल सर्टिफिकेट एंड सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स जरूर होना चाहिए उसके ऊपर। टेक द सिग्नेचर्स ऑफ द अदर पोलिंग ऑफिसर्स इन द पार्ट वन, सिग्नेचर ऑफ द अदर पोलिंग ऑफिसर्स इन द पार्ट वन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट्स दैट मॉक पोल वोट्स आर इरेज्ड फ्रॉम सीयू। मॉक पोल ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मॉक पोल वीवीपैट स्लिप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल पोल, एक्चुअल पोल से पहले सारा काम करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द मॉक पोल एट द पोलिंग स्टेशन चेक दैट नोट द डेट एंड टाइम शोन इन द डिस्प्ले ऑफ द कंट्रोल यूनिट। एंड मॉक पोल जब ख़त्म हो जाए, एट द एंड ऑफ द मॉक पोल एट द पोलिंग स्टेशन चेक एंड नोट द डेट एंड टाइम, नोट द डेट एंड टाइम शोन इन द डिस्प्ले ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड ऑल्सो द एक्चुअल डेट एंड टाइम एज वेल एज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू। If any mention it in the mock poll certificate and also in presiding officer's diary, ठीक है, अगर कोई अंतर दिखाई देता है
तो इसको रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको एक बार देखेंगे। एट द एंड ऑफ द मॉक पोल चेक एंड नोट द डेट एंड टाइम शोन इन द डिस्प्ले ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड ऑल्सो एक्चुअल डेट एंड टाइम एज वेल एज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू इफ एनी मेंशन इट इन द मॉक पोल सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। तो मॉक पोल सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी में आपको नोट करना होगा अगर कोई टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग में कोई डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 18 के पास आते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल इंटीमेट द मॉक पोल विजिटर्स टू रिटर्निंग ऑफिसर्स थ्रू योर सेक्टर ऑफिसर्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर को आपको बताना होगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मॉक पोल इंटीमेट द मॉक पोल स्टेटस, मॉक पोल का स्टेटस जो है बताना होगा इसको रिटर्निंग ऑफिसर को थ्रू योर सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से। माइक्रो ऑब्जर्वर इफ अपॉइंटेड मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मॉक पोल एंड हिज सिग्नेचर हैज टू बी ऑब्टेंड ऑन पार्ट वन। किसका हमको लगाना है, माइक्रो ऑब्जर्वर का सिग्नेचर हैज टू ऑब्टेंड ऑन पार्ट वन। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट्स मॉक पोल सर्टिफिकेट। अब इसके हम डॉन्ट्स देखेंगे, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। डोंट स्टार्ट मॉक पोल इफ़ नो और ओनली वन इलेक्शन एजेंट इज प्रेजेंट, एक ही केवल हो, नो और ओनली वन। वेट फॉर 15 मिनट्स, उसके लिए कितना मिनट इंतजार करना है, 15 मिनट्स। डोंट स्टॉप मॉक पोल विदाउट कास्टिंग एट लीस्ट 50 वोट्स। तो डोंट स्टॉप मॉक पोल मत काम रोकिए विदाउट कास्टिंग एट 50, 50 वोट से कम होने पर मॉक पोल मत काउंट कीजिए, मॉक पोल पूरा कीजिए। डोंट फॉरगेट टू कास्ट एट लीस्ट 1 वोट टू ईच कैंडिडेट बटन इंक्लूडिंग नोटा ड्यूरिंग मॉक पोल। डोंट फॉरगेट टू कास्ट एट लीस्ट 1 वोट टू ईच कैंडिडेट बटन इंक्लूडिंग नोटा, तो मतलब हर कैंडिडेट को एक वोट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वोट टू ईच कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा ड्यूरिंग मॉक पोल। तो सबको होना चाहिए मीटिंग, एक को दूसरे ज़्यादा हो चुकी कोई बात नहीं, लेकिन सबको होना जरूरी है। डोंट कीप बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट एंड वी वैट ऑन द एट वन टेबल फॉर मॉक पोल, कीप बीयू एंड वी वैट एट वोटिंग कंपार्टमेंट। डोंट सील रियर कंपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट विथ वैक्स। डोंट सील इन रियर कंपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट विथ वैक्स, वैक्स से मत कोई सीलिंग करें, डोंट सील। डोंट लीव एनी मॉक पोल स्लिप्स इनसाइड द वीवीपैट स्लिप्स कंपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल ऑन पोल डे। डोंट लीव एनी मॉक पोल स्लिप्स, मॉक पोल स्लिप को मत कहीं छोड़ें भैया, इन साइड द वीवीपैट, वीवीपैट के अंदर नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। स्लिप्स कंपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल ऑन पोल डे। डोंट कीप मॉक पोल वीवीपैट स्लिप्स अनस्टैम्प्ड इन ब्लैक एनवेलप। डोंट कीप मॉक पोल वीवीपैट स्लिप्स अनस्टैम्प्ड इन ब्लैक एनवेलप, ब्लैक एनवेलप में अनस्टैम्प्ड डोंट कीप वीवीपैट, ठीक है, उसमें आपको स्टैम्प होना ही चाहिए, अनस्टैम्प्ड कोई भी चीज़ को ब्लैक एनवेलप में डालेंगे। नेक्स्ट हमारा है डोंट्स में, डोंट फॉरगेट टू टैली EVM काउंट विद द वीवीपैट स्लिप्स काउंट ड्यूरिंग मॉक पोल। तो मॉक पोल में EVM जो काउंट है उतना ही वीवीपैट में भी काउंटिंग आना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू फिल मॉक पोल सर्टिफिकेट पार्ट वन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफिसर्स सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट्स एंड टेक अ सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स। डोंट फॉरगेट टू फिल मॉक पोल सर्टिफिकेट को फिल करना मत भूलें, ठीक है, मॉक पोल सर्टिफिकेट को
ओके एंड पार्ट वन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो मॉक पोल सर्टिफिकेट जो होता है पार्ट वन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो करना है एंड टेक सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स, टेक सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू क्लियर मॉक पोल डेट फ्रॉम द CU बिफोर स्टार्टिंग अप एक्चुअल पोल। डोंट स्टार्ट एक्चुअल पोल विदाउट सीलिंग रिजल्ट सेक्शन। तो रिजल्ट सेक्शन को डोंट स्टार्ट एक्चुअल पोल मत नहीं शुरू करना है विदाउट सीलिंग द रिजल्ट सेक्शन ऑफ CU सॉरी एंड ड्रॉप बॉक्स ऑफ VVPAT एंड टेकिंग सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग। तो सीलिंग ऑफ द विदाउट सीलिंग रिजल्ट सेक्शन ऑफ द CU एंड ड्रॉप बॉक्स ऑफ VVPAT एंड टेकिंग सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स। और इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कमेंसमेंट और ड्यूरिंग द पोल क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में विचार करेंगे कि जब स्टार्ट हो तब क्या परेशानी होगी और ड्यूरिंग द पोल क्या परेशानी हो सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।